पिलवाड़ा सदर थाना क्षेत्र के आकोला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। विवाहिता की मौत को पीहर पक्ष के लोगों ने संदेहास्पद मानते हुए जांच की मांग की। परिजनों की नाराजगी की सूचना के बाद एसडीएम रिया के जीवा सदर डिप्टी रामेश्वर लाल व थाना प्रभारी मुकेश शर्मा मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और पोस्टमार्टम शुरू हो सका। आकोला निवासी गोपाल कीर की पत्नी गट्टू देवी की संदिग्ध मौत हुई। मृतका के भाई सुरेश कीर का आरोप है कि उसकी बहन से ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करते थे। बीती रात को भी बहन की मौत के 2 घंटे बाद पीहर वालों को सूचना दी गई। 5-6 साल पहले नाता हुआ था, उसके बाद इनके इन दोनों के भी कई बार झगड़ा वगैरह हो गया था और हमारे मतलब समझाने के बावजूद फिर कई कई बार झगड़ा हो चुका था। और 6 महीने पहले मतलब केस वेस भी कर दिया था और फिर कल या परसों जो हमारी बहन है उनके यहाँ पे झगड़ा हुआ तो वो वहाँ चली गई थी, सांगानेर चली गई थी। फिर सांगानेर मतलब वो उसका पति जो वापस आ गया था वहाँ पर फोर्स करने लगा और फिर उनको बोला कि यार वापस लेके जा रहा हूँ मैं। और हमने मतलब जो बहन है उनको समझाने के बाद वापस भेज दिया था। और दूसरे दिन तो ये आत्महत्या भी कर ली थी। उसके 2 घंटे बाद हमारे को फ़ोन करने के बजाय पंच पटेलों को फ़ोन कर दिया और उनको हम प्रशासन को भी मतलब ना तो खबर दी और हमको सूचना भी दूसरों के माध्यम से मिली। इस समय अब आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। हमारी बहन को मतलब यहाँ हमें लग रहा है मारा गया उनको। क्या नाम है आपका? सुरेश। फ़ोन किया उसने दूसरे भाई ने हमारे को और गांव वालों ने किसी ने फ़ोन नहीं किया हमारे को। एक दूसरे को खबर लगी 2-3 घंटा बाद में, 7:45 हमारे पास फ़ोन आया दूसरे का। फिर बाद हम गए प्रशासन भी हम नहीं बुलाया और गांव वालों ने पूछा वहाँ। फिर पहले क्या मच्छे लेने गए, 12 लेके आए। फिर उसने वापस बोला भाई ये नहीं, उसके साथ ये था ये नहीं था। फिर बाद में पंचों को बुलाया, पंच वन सब गेटे हो रहे थे। लेकिन फिर पंचों ने समझाया बताया भाई हम कार्रवाई पुलिस वालों को बोलेंगे, फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। फिर बाद हम पुलिस बुलाई, फिर बाद यहाँ आ गए। मारना और कुलाल कीर, मैं उसका अंकल लगता हूँ।